If the base radius and the height of a right circular cone are increased by 10%, then the percentage increase in the whole. क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में कितना का वृद्धि होगा। सबसे पहले कोण का वॉल्यूम क्या होता है, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है आपका 1/3 πr²h। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, 10% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। अब मान लेते हैं हम यहाँ से जो रेडियस है पहले यानी कि फर्स्ट में रेडियस कितना r1 अगर 10 है तो अब इसको बढ़ाकर कर दिया जा रहा है कितना +1 11, ये r2 है, ठीक है। उसी तरीके से हाइट अगर h1 यहाँ पर 10 है तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जा रहा है, h2 कितना कर दिया जा रहा है आपका 11। तो सिंपल आप यहाँ से फॉर्मूले पर अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को कि 1/3 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो दो जगह मैं करता हूँ, ठीक है, 1/3 पाई तो कॉमन है ना, तो पाई को मैं छोड़ ही देता हूँ, यहाँ पर देखो 10 और इंटू 10 इंटू 11, ये पहला केस हुआ आपका। और सेकेंड में 1/3 इंटू 11 इंटू 11 इंटू और ये कितना हो जाएगा आपका 11, यहाँ पर भी 10 ही होगा, माफ़ कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये 1/3 तो दोनों में कॉमन है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर कितना आ रहा है 1000 और यहाँ पर कितना है 1331, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1000 पहले वॉल्यूम था और बाद में बढ़ाने के बाद 1331 हो गया, यानी कि कितना का इंक्रीज हुआ, 331 का, किस पर, 1000 पर इंटू 100, ये कितना हो जाएगा आपका 33.1% का। तो वॉल्यूम में कितना का इंक्रीज हुआ, 33.1% का, ऑप्शन नंबर ए।